तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। ओके तो गाइस सर कैसे हो सब लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे। एंड गाइस बढ़िया रहना। तो आज के इस वीडियो में कुछ इस टाइप का रील्स वीडियो एडिट करके दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को जो म्यूजिक है आप जरूर इंस्टाग्राम रील्स पे सुने होंगे, तो काफी तेज से वायरल चल रहा है, तो इस म्यूजिक पे जरूर आपको वीडियो बनाना चाहिए। तो इसी म्यूजिक पे कुछ इस टाइप का वीडियो बना के दिखाने वाला हूं। वीडियो को देखो तो स्टार्टिंग में लिरिक्स का यूज किया गया है, एंड उसके बाद गाइस जो वीडियो आता है वीडियो के स्क्रीन में देखो तो थंडर इफेक्ट लगाया गया है। एंड गाइस जो म्यूजिक चलता है बैकग्राउंड में लिरिक्स भी लिखा हुआ ऊपर में आता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो पूरा एडिटिंग बताने वाला हूं, तो बस यहां पर वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए आज की इस एडिटिंग वीडियो को यहां से हम स्टार्ट करते हैं। ओके तो यहाँ पे आ चुका मोबाइल की स्क्रीन पे, तो यहाँ पर हम VN ऐप एप्लीकेशन का यूज करेंगे। अगर आपके पास नहीं तो उसको प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो पेन कल यहाँ पे सो करेगा, नीचे प्लस का ऑप्शन टिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे टिक करना होगा। तो अब यहाँ पे आपको उस वाले वीडियो को लेना होगा जिस वीडियो के स्काई में आप थंडर इफेक्ट लगाने वाले हो। तो मेरा नॉर्मल सा जो वीडियो यहाँ पे आ चुका है प्ले करके अगर आपको दिखाऊं तो देख सकते हो स्काई एकदम खाली खाली है। तो आपको कुछ इस प्रकार से वीडियो शूट कर लेना होगा, तो आपको लास्ट में आकर ब्लैक लेयर को डिलीट कर देना होगा, ठीक है। अब आपको स्टार्टिंग में आ जाना होगा। सबसे पहले हम ना थंडर इफेक्ट को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे सो करें टैप टू ऐड स्टिकर टिक करना होगा। वीडियो एंड फोटो वाला सिर्फ टिक करना होगा। तो यहाँ पे ना हम थंडर इफेक्ट वाले वीडियो को ले लेते हैं। सो देख सकते हो यहाँ पर ना थंडर वाला जो वीडियो स्काई है ना यहाँ पे आ चुका है। तो इसको पकड़ के कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम बड़ा करेंगे, स्काई में कुछ इस प्रकार से लगा लेते हैं। इधर स्लाइड करोगे यहाँ पे सो करें मार्क्स का ऑप्शन टिक करेंगे। लाइन पर आपको दो बार टैप करना होगा, बिंदु को यहाँ तक रखेंगे, देन एरो को हल्का सा नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे, देन साइड पर टिक करेंगे। तो ये जो स्काई यहाँ पे फेस पे आ रहा है, ठीक है तो यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेना है। तो आपको लास्ट में आ जाना होगा यहाँ तक जहाँ तक स्काई का लेयर है। तो एक्स्ट्रा पार्ट को कुछ इस प्रकार से आप डिलीट कर सकते हो नीचे वाले लेयर पे टिक करके, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हम डिलीट कर लेते। तो अब आपको करना क्या होगा, ये जो वीडियो आपको इस पर टिक करना होगा, सो करेगा डुप्लीकेट का ऑप्शन, इसको आपको यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेना होगा। सो डुप्लीकेट करने के बाद इधर स्लाइड करोगे, सो करके लास्ट में फॉरवर्ड का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। देन क्लिक करने के बाद इस लेयर पे आपको टिक करना होगा, इसको कुछ इस प्रकार से पकड़ के एकदम सामने ला देना होगा। लाने के बाद यहीं पे सो करके हीट का ऑप्शन, ठीक है, फुल स्क्रीन करेंगे। सो यहीं पे सो करके फिट का ऑप्शन, इस पर आपको टिक करके फुल स्क्रीन कर लेना होगा। तो यहीं पे स्लाइड करोगे तो यहीं पे सो करके क्रोमा का ऑप्शन, आपको इसी लेयर पे क्लिक करना होगा। क्रोमा पे आपको क्लिक करना होगा, इसको कुछ इस प्रकार से स्काई में लेकर जाना होगा। देन स्पीड को जीरो करेंगे, सो इंटेंसिटी को कुछ इस प्रकार से बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे साइड से क्रोमा की वगैरह निकाल लेना होगा। सो मेरा यहाँ पे साइड से क्रोमा की निकल चुका है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ना साइड से क्रोमा की वगैरह निकालने के बाद देन साइड पर टिक करना होगा। सो अगर आपको वीडियो को यहाँ से प्ले करके दिखाओ तो देख सकते हो वीडियो के बैकग्राउंड में ये जो गाइस थंडर इफेक्ट है एकदम से चला गया। तो आपको टेंशन नहीं लेना, यहाँ पे देख सकते हो फेस पे एकदम फेस क्लियर दिख रहा है, आप ऐसे समझो। तो आपको लास्ट में आके जो ब्लैक लेयर है इसको कुछ इस प्रकार से आप डिलीट कर देना, ठीक है। सो डिलीट करने के बाद अब आपको स्टार्टिंग में आ जाना होगा। तब लिरिक्स वाले वीडियो को एड करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो प्लस का ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद वीडियो एंड फोटो ऑप्शन पे टिक करना होगा। सो अब यहाँ से हम वीडियो को सिलेक्ट करेंगे जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर डाउनलोड कर लेना। ओके तो वीडियो यहाँ पे आ चुका, कुछ इस प्रकार से वीडियो रहेगा, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे इसको हम म्यूजिक निकालेंगे, इधर स्लाइड करोगे यहाँ पे शो करेगा एक्सट्रैक्ट ऑडियो, इस पर आपको टिक करके म्यूजिक निकाल लेना होगा इस वीडियो का। तो अब यहाँ से आपको वीडियो को प्ले करना होगा। प्ले करने के बाद यहाँ पे देखना होगा सर इस म्यूजिक में ना सॉरी इस लेयर में ना कहाँ पे वीडियो एड किया गया है, ठीक है, इस लड़के का। सो जहाँ पे ऐड किया गया तो कुछ उस पोजीशन में आपको आ जाना होगा। तो 10 सेकंड से ना थोड़ा सा पीछे गई सर इस वीडियो यहाँ पे ऐड किया गया, तो कुछ इस पोजीशन में हम आ जाएंगे। आने के बाद ना इस वीडियो पे आपको टिक करना होगा, ठीक है। वीडियो टिक करने के बाद यहीं पे शो करेगा स्प्लिट का ऑप्शन, इस पर आपको टिक करना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, इस पर टिक करने के बाद यहीं पे शो करेगा डिलीट का ऑप्शन, इस पर आपको टिक करके डिलीट कर देना होगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ से वीडियो को प्ले करके दिखाओ तो देख सकते हो यहाँ पे मेरा नॉर्मल सा वीडियो आ रहा है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर एक हम एनिमेशन को ऐड करेंगे, तो जो प्लस का ऑप्शन इस पर आपको टिक करना होगा, यहीं पे शो करेगा व्हाइट, ठीक है, व्हाइट वाले एनिमेशन को आप लगा लेना, देन साइड पे टिक करेंगे। सो अगर आपको यहाँ से वीडियो को प्ले करके दिखाओ तो गाइस यार देख सकते हो यहाँ पे आपको वीडियो कुछ इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है। तो अब आपको स्टार्टिंग में आ जाना होगा। सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पर ना थोड़ा सा गाइस यार इस बंदे का वीडियो आ रहा है, देख सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा इधर पार्ट हम थोड़ा सा हटा लेते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको आ जाना होगा जहाँ पे आपका वीडियो आ रहा है। तो अब यहाँ पर हम म्यूजिक को लिरिक्स को ऐड करेंगे, तो फिर से आपको यहाँ पे टिक करना होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। कुछ इस पोजीशन में आने के बाद यहाँ पे आपको टिक करना होगा, सो कर वीडियो एंड फोटो का ऑप्शन क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे हम लिरिक्स वाले वीडियो को ले लेते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर डाउनलोड कर लेना। सो लिरिक्स वाला वीडियो यहाँ पे आ चुका, कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो इसको पकड़ के यहाँ पे हम इतना बड़ा करेंगे, देन स्काई में कुछ इस प्रकार से लगा लेंगे। इधर स्लाइड करोगे शो करके यहाँ पे ब्लेंडिंग का ऑप्शन टिक करके आप स्क्रीन सिलेक्ट कर लेना, देन साइड पे टिक करेंगे। तो लीजिए गाइस सर यहाँ पे आपका फाइनली पूरी तरीके से वीडियो बनकर रेडी हो चुका है। तो थोड़ा सा आपको लास्ट में आ जाना होगा, ठीक है। म्यूजिक का लेयर यहाँ तक है तो आपका वीडियो का भी लेयर यहाँ तक रहना चाहिए। तो इसको कुछ इस प्रकार से आपको पकड़ के म्यूजिक के लेयर तक कर देना होगा, या गाइस सर स्टॉप पार्ट को कुछ इस प्रकार से आप कट लगा के डिलीट भी कर सकते हो कुछ इस प्रकार से। तो फाइनली बनकर रेडी हो चुका है वीडियो। अगर आपको यहाँ से वीडियो को प्ले करके दिखाऊं तो आपका वीडियो ना कुछ इस प्रकार से लगेगा बनने के बाद, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा गाइस यार देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार से लगेगा। गाइस लिरिक्स भी काफी अच्छा लग रहा है वीडियो में लगाने के बाद।
सो वीडियो को एक्सपोर्ट करने के ऊपर शो का सेव का ऑप्शन आप देख सकते हो, तो इस पर आपको टिक करके वीडियो को गाइस सर आपको यहां से एक्सपोर्ट कर लेना होगा।